बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं ट्रेनिंग कर लेते हैं या फिर वो काला होना नहीं चाहते, इंजीनियरिंग करने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हमें क्या करना है, कूद जाना है। स्टूडेंट्स को आज की डेट में क्या चैलेंजेस मेन फेस करने पड़ते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के बाद? बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं ट्रेनिंग कर लेते हैं या फिर वो काला होना नहीं चाहते, इंजीनियरिंग करने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हमें क्या करना है, कूद जाना है। जब आप समुद्र में कूद गए हो, जब आपने वो चीज़ पढ़ ली है, तो फिर ढंग से कूदो, फिर से पीछे नहीं आना, वापिस नहीं हटना है। आपको किनारा जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अभी बचपन से ऑटोमोबाइल में लगा रहा, अपनी स्टडी कंप्लीट करता रहा, बचपन से लगा रहा, मैं रुका नहीं। दिन में स्टडी करनी, रात को काम करना है। अब जिस गांव में पहले मैं ग्रीन हिल्स में रहा, वहां भी पूछते थे किस मिट्टी का बना है, सोता ही नहीं है, नींद नहीं है इसको। और उसके बाद भारा यूनिवर्सिटी में जब आया मैं, यहाँ पे मैंने वर्कशॉप चला दी, दिन में स्टडी रात को अपना काम। यहाँ भी लोग परेशान कि किस मिट्टी का बना, सोता ही नहीं है, रात को आए तो रात को काम कर रहा है, दिन को यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो ये चीज़ें सबको परेशान कर देने वाली है। बट जब आप किस चीज़ को इंटरेस्ट से करते हो, तो नींद ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, गायब हो जाती है।